शिव पार्वता बैठा हो। शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। पहले शक्तियां ने राजी करना खूब जरूरी है, क्योंकि ये बिगड़े पची पूर्व आप लोगों ने ढाई जे, क्योंकि हमेशा लेडीज फर्स्ट होती है। बहनों को आनंद आना बहुत ही जरूरी, इसलिए भजन में बहनों के लिए गा रही हूँ। अभी तक मुझे वो आनंद में कब से बैठी हूँ, मैं कुछ कमी देख रही थी आप लोगों ने कि राव परिवार ने इतना खर्चा किया, इतना सुंदरतम नीलकंठ महादेव की प्रतिष्ठा करवाई। हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक आनंद लेने आए हैं भजनों का, और उसमें भी हम अगर चूक रहे हैं तो वो हमारी भूल है। मैं चाहती हूँ हमारे खाते में हमारे रोज भजन जमा होते हैं, हम रोज कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आपके खाते में आपकी भक्ति जमा हो। तो मैं चाहती हूँ सब लोग अपना खाता जरूर खुलवा दें, जिसने नहीं खुलवाया। मैं चाहती हूँ देवादिदेव महादेव कि आज इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कौन कौन अपनी सेवाएं देने आए, एक बार हाथों को उठाए। बिल्कुल शंकर भगवान के जो बेटे और बेटियां, वो हाथ ऊपर उठाना। अगर खुद को भगवान मानते हो तो मत उठाना, ऐसा कोई नहीं हो सकता। बजाए एक बार ताली, और बहनों से भी निवेदन करती हूँ नाच कर आनंद लेना है। ए, उठो नी पार्वता मौन नावनिया के रावो। अरे उठो नी पार्वता माने नावनिया के रावो। नावनिया तो, अरे नावनिया तो पछे कराओ नाचने बतलावो। अरे नावनिया तो पछे कराओ नाचने बतलावो। अरे थई थई करता श
राव परिवार की हमारी बहनें कितने हाथ ऊपर उठाए एक बार, जो राव परिवार की बहनें हैं। वाह, अरे हम सभी परिवार के, हम सभी लोग परिवार के, आप लोग भी हाथ उठा सकते हैं। इतना बड़ा, ये सब परिवार से ही जुड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ हमारी बहनें जितनी भी अभी मन में, इनको ऐसा लग रहा है कि हम खड़े हों भी नहीं, कुछ मैं जानती हूँ सत्संग कुछ मर्यादाएं होती हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि भजनों में नाचने से कोई हमें कोई नुकसान होने वाला है? क्योंकि कृष्ण की भक्ति में मीरा भी नाचे थे, कहीं ना कहीं जो दुरिया है हम लोगों के बीच में वो नहीं होनी चाहिए। बड़ी चाव से मैं आप लोगों के बीच में अपनी प्रस्तुति देने आई हूँ। जब तक आप लोग हमसे नहीं जुड़ेगी तब तक हम भगवान से नहीं जुड़ पाएंगे, उस भक्ति में नहीं जुड़ पाएंगे। मैं चाहती हूँ जितने भी हैं बड़े नाच के, सभी लोगों की हाजिरी तो नहीं हो सकती, लेकिन किसी को ऐसा लगे कि नहीं आज तो मुझे बहुत ही आनंद करना है, तो मैं चाहती हूँ अपनी इच्छाओं को दबा के नहीं रखें, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन उससे पहले एक पंक्ति गाकर आप सभी लोग मेरा साथ दें। सारी बहनों से निवेदन है, सुनिए आपको क्या गाना है पहले। अरे डूंगरी ऊपर डूंगरी ने शिव पार्वता बैठा, इतने कमजोर आवाज कभी नारियों की हो नहीं सकती, नारी सब पर भारी है। भाइयों को क्या लगेगा कि देख लीजिए, मैं चाहती हूँ पीछे तक सारी बहनें, ऐसा नहीं जो आगे बैठे हैं वहीं पर मेरा ध्यान है, भले मैं आपसे दूर हूँ लेकिन मेरी नजर सभी लोगों के ऊपर है। सारी बहनें, पूरा पांडाल नीलकंठ महादेव के नाम से गुजना चाहिए, ये ऐतिहासिक सारी ये प्रतिष्ठा हमारी आने वाली राव परिवार की पीढ़ियों तक ये याद रहेगी प्रतिष्ठा। मैं चाहती हूँ सारी बहनें जोरों की आवाज के साथ गाएं। अरे डूंगरी ऊपर डूंगरी ने शिव पार्वता बैठा, थी करता शंकर नाचे पार्वती शर्मावे, आनंद ले रहे हैं। अब ये भजन तो मैंने बहनों के लिए गाया था, अब आप लोगों के लिए गा रही हूं हमारे भाइयों के लिए। समय की मर्यादा में कुछ बहुत ही सारा सोच कर आई हूं, समय मिला तो जो भी कुछ नया है पुराना है आप लोगों का आदेश रहेगा मैं सुनाऊंगी एक बार। ए, हाँ, हाँ,
इतने सारे एक साथ में खड़े होकर देखिए सत्संग की मर्यादा का कोई भंग ना करे। इतना आयोजन करने में बहुत ही सारी मेहनत और बहुत ही सारी टीम लगती है। हम चाहते हैं कि सारी बहनों से निवेदन है, सभी लोग बैठ जाएं। ये जितनी भी बहनों खड़ी, आपने अपनी हाउजीरी सौगंध देकर नहीं बैठा दो बिंदड़िया देख लीजिए काले झगड़ो मेला हाउजीरम बिंदड़ी में। सभी लोग बैठ जाएं, चले ताली बजाकर सभी लोग इस माहौल को थोड़ा गर्म कर दीजिए। उठाएं दोनों दोनों हाथ। ए आज मारा, अरे आज मारा भोले बाबा, भंग गणी पीतियो। आज मारा भोले बाबा, भंग गणी पीतियो। भंग रा नशा में बाबू परण बाने आयो। भंग रा नशा में बाबू परण बाने आयो। आज मारा, भंग गणी पीतियो। आज मारा भोले बाबा, भंग गणी पीतियो। हमारी राव परिवार की बहनें मुझे बहुत ही सुना रही है, आ जाए वारे 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 तालियां बजाएं पर जोरदार। लेकिन मैं सोच रही हूँ यहाँ से कैसे आऊँ इसे। मुझे आप देखिए, मैं तो तकलीफ सहन कर लूँगी, उससे बेटर है आप लोग खड़े हो जाओ तो कितना अच्छा लगे। आप मेरी एक शर्त रहेगी, आप खड़े होगे तो मैं नीचे आऊँगा। मैं चाहती हूँ ये आगे जो 5-10 महीने बैठी बैठकर आनंद ले रही है, ये परिवार मेरा भी परिवार ही ऐसा सोच लो। हम सभी लोग भोलेनाथ के परिवार से, तो मैं बाराती जानिया बनकर कुणकुणाए, बारात में कुणकुणाए शंकर भगवान रे। देखो अबे ब्यावरी सीजन हाले रही है, वे बाराती है, वीआईपी सोफे वाले बहुत ही भक्ति में। देखिए सोफे का कमाल होता है, हम जाजम में बैठो तो बहुत ही निखारस, लेकिन ये जो वीआईपी वाला मैं चाहती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार उठा लें सोफे वाले हाथ, ऊपर उठा लें यहाँ पर, मेरे सभी बड़े हैं। बस मैं ये चाहती हूँ शंकर भगवान से बड़े नहीं है। बोले नीलकंठ महादेव की ए चौनिया ने,
एक बार हमारी बहनें ना उठाएं भांग की प्रसादी किन किन लोगों ने लिए शंकर भगवान की। देखिए हाथ उठाने में भी शर्म आ रही, बड़े नीलकंठ महादेव की। लेकिन शंकर भगवान को प्यारी क्या है, शिवरात्रि आ रही है बहुत ही नजदीक। भांग छिजे तारे भांग